हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम साग का पकौड़ी बनाएंगे। जिस बच्चे को साग पसंद नहीं है, ये पकौड़ी बनाने के बाद वो बच्चा चाव से खाने लगेगा। तो इसके लिए हम साग काट लिए हैं और इसमें हम ये चावल इसमें चावल डाल के पीस लिए हैं और लहसुन है और थोड़ा सा अदरक है, ज़्यादा अदरक नहीं दिए हैं, और लाल मिर्च इसको हम डाल दे रहे हैं, और यहाँ बेसन डाल दे रहे हैं। इसके अनुसार बेसन डालना है, जितना साग रहेगा उसी के अनुसार बेसन डालना है। बेसन डाल दिए, अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं। अब इसको हम मिक्स करके सान लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सानना है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। उस समय नमक नहीं डाले थे, इसलिए अभी डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। अब इसको मिक्स कर ले रहे हैं। गरम हो गया है, अब इसमें हम तेल डाल दे रहे हैं और यहाँ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके रखे हैं। इसको हाथ से मिक्स किए हैं और ये हाथ से ही मिक्स किया जाता है। अब यहाँ ये कढ़ाई गरम हो गया है, तो इस तरह से आप उठा लीजिए, ऐसे करके उठाना है, इस तरह उठा के और इस तरह से आप डाल दीजिए। इस तरह से डालना है, तीन को इसमें अटेगा, हम तीन डाल रहे हैं। इस तरह से हम डाल दिए हैं, ये पक गया है। इसको हम पलट ले रहे हैं, इस तरह से हम तावा, जो रोटी बनाने वाला तावा होता है उस पर बहुत ही बढ़िया से पकता है। इस पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उलटाने में, लेकिन इस पे भी अच्छी तरीके से पका ले रहे हैं। इस तरह से अरे बहुत ही बढ़िया खाने में लगता है। तो ये साग का बीड़ी बनके रेडी हो गया है। और अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा, मेरा ये रेसिपी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज का खाना है दाल चावल और साग का बीड़ी, और ये सब्जी है आलू और खड़ी का।